क्या सब अपनी जगह पर है? फ्लैश चेक, वेरा चेक, गिरा चेक, बारिया चेक, किरिया चेक। सुनो टीम, जहां हो वहीं रहो, सिग्नल के लिए रुको। टीम पोजीशन नंबर 2 में लौट जाओ, इंप्रोवाइज करने के लिए तैयार। कॉपी दैट, यहाँ काफी शांति है और मैं चाहती हूँ वैसा ही रहे। शताए, परफेक्ट जगह है तुम सबको बचाने के लिए। कमांडर, मुझ पर हमला हुआ है। स्लैश, वो क्या था, एक लाइटर? नहीं, सिगरेट फेंक दो। खरुन को लो और बाकी दोनों को भी निकालो। स्लैश, हमें खरुन जिंदा चाहिए। बड़े आराम से। Hey guys, यहाँ पे जरूरत से ज्यादा शांति है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। गिरिया, मुझे बताओ वहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी आंखें खुली रखना। Copy that, commander. Slash, slash, हमें उसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर है। और क्या चाहिए, बस एक सिगरेट और नजारा, सपने भी खुद बखुद आ जाएंगे। नजर रखे हो ना, यहाँ कोई हरकत नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम गाना गाते सुनाई दे रहे थे। कैसा है ये सब, कैसे? बचा लो, बस रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। कमांडर, किरिया घायल है, मदद चाहिए, हमें निकलना होगा। रुक जाओ, मुझे यहाँ मत छोड़ना प्लीज। बढ़िया, तुम सेट हो? हाँ कमांडर, सब बिल्कुल सेट है, थोड़ा सबक सिखाया जाए। इसका स्वाद चखाओ कमीनो। किस्म की प्रोटेक्शन? शतरो, उस कमीने को जाने देने का ऑर्डर।
पर मैं वक्त पर पहुंच नहीं पाया। मतलब है उसे जाने दो, वो वॉर क्रिमिनल है, उसके हाथों कीड़े का खून हुआ है। ऐसे मत जताओ कि मैं गद्दार हूँ, मुझसे बहस मत करो, बस ऑर्डर्स फॉलो करो। किसके ऑर्डर्स है ये? नाटो के? हाँ उसी के है। तुम सब मेरी बात सुनो, तुम सब यहाँ नाटो के ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, बात समझ में आ रही है? ये हमारा इलाका है, तुम उसकी जान लेते हो तो कार्रवाई होगी, तुम मेरे ऑर्डर्स मानोगे, आई बात समझ में, समझे या नहीं तुम? तुम्हारा गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंचार्ज कौन है, तुम या वो? ये क्या हो रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो? हिंदी समझ में नहीं आती मुझे। बहुत पछताओगे। तुम्हारा दिमाग खराब है शतलो। एनीवे हेलीकॉप्टर लैंड करो। क्या? मैंने कहा लैंड करो। सीनियर कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन, दिए गए डायरेक्ट ऑर्डर्स का पालन न करना और एक मिलिट्री मिशन को खतरे में डालते हुए रशिया से हमारे संबंध को खतरे में डालने के लिए सैनिकों में से एंड्रेस टेलव, ओलेग बर्मेन, बेरा कुर्बायवा, इलियासला सर्वोफ और रुस्तम बमातग्रेव को रशियन फेडरेशन की सेना से बर्खास्त किया जाता है। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट कॉलोनल एसलॉव एटक्लॉव पर उनके कर्तव्यों की लापरवाही के कारण कार्यवाही की जाती है। मुझे अपनी लापरवाही की सजा मंजूर है। देख सुनो, मैं दोस्त के नाते कुछ कहना चाहता हूँ। ऊपर के लोग बहुत गुस्से में हैं, हालात बिगड़ चुके हैं। अगर तुम्हारे बंदों में से कोई यहाँ रशिया आया तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार 1995 में डेटन अकॉर्ड्स की साइनिंग के बाद वॉर खत्म हुआ, लेकिन बलकंस में शांति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। कोसोवो अल्बेनियंस को यूगोस्लाविया से आजादी चाहिए। सर्बियन ट्रूप्स भेजे गए हैं कोसोवो में सिचुएशन को संभालने के लिए। बहुत ही जल्द जंग खत्म होने वाली है और पहले की तरह देश में शांति आने वाली है। युद्ध में बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत जवान मारे गए हैं, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। जल्द से जल्द आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आ जाओ मेरी जान, चलो चले, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, आराम से, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मैं इन्हें ले जाती हूँ, प्लीज इनके कागजात और कुछ कपड़े ले आइए, सब मेरे बैग में है। हाँ, मैं बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इन्हें अंदर लेकर जा रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। घबराना मत डार्लिंग, चलिए। आई लव यू। दुष्का, आ, 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 आ,
मैटरनिटी हॉस्पिटल है, समझ में नहीं आता। चलो यहाँ से, आप सब यहाँ आइए, क्या हो रहा है? यहाँ से जाइए, जल्दी। इस तरफ से, इस तरफ से। संभल कर जाइए। चलो आप वहाँ नहीं जा सकते, प्लीज प्लीज वहाँ जाइए, बेसमेंट में जाइए। दुष्का, दुष्का, चलो चलो चलो, जाइए यहाँ से। मॉर्निंग कॉमरेड जनरल, मैं तुम्हें बहुत ही खुफिया बात बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ा हवाई अड्डा प्रिस्टिना के कोसोवो में है, इकलौती ऐसी जगह जहाँ कार्गो प्लेन लैंड कर सकते हैं। हमारा मिशन है उस एयरपोर्ट पर नियंत्रण पाना, और उसके लिए बोस्निया से हमारे आदमी मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ आएंगे। तुम्हें एयरपोर्ट को काबू में रखना होगा जब तक पैरा ट्रूपर्स वहाँ पहुँच ना जाए। तुम्हारे पास कोई टीम है? एंड्री शटलो की टीम है, वो यूगोस्लाविया में है। शटलो बोस्निया में जो हुआ काफी नहीं था? शटलो पे भरोसा नहीं कर सकते, पर उसके ग्रुप की जरूरत है। इस टीम के बिना एयरपोर्ट पर कब्जा करना नामुमकिन है। जब तुम्हारा कॉल आया ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सलाम। सलाम, कैसे ढूंढा मुझे तुमने? औरों की तरह पिछले 4 सालों में 7 बार दिखाई दे चुके हो तुम, क्या जगह चुनी है तुमने? जो जानकारी मुझे निकालनी थी उसके लिए ये जगह परफेक्ट है। हाँ, देख रहा हूँ क्या निकाल रहे थे तुम। वो भी तो मिशन क्या? एयरपोर्ट को कब्जे में रखकर पैरा ट्रूप्स और APCs के आने का इंतजार करना है। APCs? कौन से APCs? कॉमरेड कर्नल, जनरल सोमाव का सैटेलाइट कॉल आ रहा है। कॉलोनल प्लेटर बोल रहा हूँ। गुड डे कॉमरेड जनरल। प्लेटर, प्रिस्टिना की तरफ आगे बढ़ने के लिए राजीनामा मिल चुका है, डू यू कॉपी? जी सर। तुम्हारा मिशन है एयरपोर्ट पर कब्जा जमाना, दुश्मन वहां पहुंचे और नेटो को कोई जानकारी देने से पहले। आगे बढ़ो। जी सर। ओवर एंड आउट।
आखिरकार तुम इन्हें आर्मी वाले कहते हो? ये तो बस यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ गुंडे हैं। इनके रिंग लीडर का नाम है स्मूक। वो तो पक्का जानवर ही है। वुक्स का गांव अभी तक पांचवा है। वो आते हैं, मारते हैं और अगवा कर लेते हैं। और दो दिन पहले उन्होंने इस एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया। अब यही इनका अड्डा है। हम जानते हैं राक्षस कहाँ है, पर उसे मार नहीं सकते। और जब ये फौज यहां से जाएगी, यहां सिर्फ तबाही होगी। आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? हम चारों इन सब का सामना नहीं कर पाएंगे। क्या तुम जानते हो कि मैं कितने लोगों को गवा चुका हूँ? पर हम सिविलियंस जमा कर सकते हैं। आपके सिविलियंस से कुछ नहीं हो पाएगा। पर तुमसे तो होगा। इन सिविलियंस को सिपाही बनाने में मेरी मदद करो। मेलिक सुनिए, हम ये बाहर से मदद लिए बिना नहीं कर पाएंगे। भाई देखने में असली लग रहा है, इसमें फ्यूज नहीं है ना। तुम एक हजामत सूट पहन लो, उससे मदद होगी ना। तुम्हारे कोई बच्चे हैं? नहीं। फिर बढ़िया है। ऊपर वाला ही बचाएगा। कैसे हो बारमिन? बताओ मैं तुम्हारी वो क्या करूं? हाय हैंसम। शंकर मजे करें स्वीटी। नहीं थैंक्स, मैं यहाँ मजे करने नहीं आया हूँ। रशियन, किसी खास चीज की तलाश है? ऐसा कह सकते अगर तुम उसके पिछवाड़े में बारूद डालो तो शायद सच में उसे अच्छा लगे। कैसे हो? याद है क्रैकोवैकियो को सलामिया की बात है। हमने पीस तुम्हें क्या लगता है ये सारी गंद कब खत्म होगी? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ता। फिर तुम्हें इसमें पड़ना चाहिए, रोजाना इस बॉटल में घुसने से तो बेहतर होगा। मुझे पूछना अच्छा तो नहीं लगता, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्यादा बनो मत, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक बेहतरीन सवाल है। असल में तुम्हारा दरवाजा खुला था और देख रहा हूँ कि तुम अब भी खेल रहे हो। ह्यूगो से कंसल्टेशन चल रहा था, फ्रांस वालों ने तोहफा भेजा है। क्या बात है, कुछ धड़ाकेबाज करने के मूड में हो? और सब के लिए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। हालांकि सुट्टा है आपके पास? हम पर रोज बॉम्ब गिर रहे हैं बेवकूफ, और हम तुम पर टिके हुए हैं। रशियंस हमें दगा नहीं देंगे। रशियंस हमारे भाई जैसे हैं, और रशियंस क्या करते हैं, वो टांग नहीं अड़ाते। उन्होंने हमारा साथ भी नहीं दिया। किस टाइप का काम है ये? टॉप सीक्रेट। खैर जाने दो, शताई की टीम इकट्ठी कर रहा हूँ। एक मिशन है, वो पूरा होते ही तुम्हें रशिया वापस भेज दिया जाएगा। तुमने सिरे हाथ खड़े कर दिए। आराम से आराम से। हेलो इलिया, आराम से दोस्तों, ठीक है? हमें जरा बात करनी है। पर गन्स भी हैं हमारे पास। और गारंटी कौन देगा कि ऊपर के बंदे अपना मन बदलकर हमें लॉकअप में ना डालें? मैं गारंटी देता हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कैसे क्या हो गए हो तुम? सर्ब्स को मार रहे हो, हमारे भाइयों को। पागल पागल ही होते हैं, उनका देश से क्या लेना देना। सही कहा, बस यही पॉइंट है। देख, मेरा एक पियक्कर कस्टमर है, विश्निया को मार रहा है। बाय। रुको, एक बार फिर से सोच लो। नॉर्मैंडी नीमन अलग ही आदमी था। फ्रेंच तुम पर बॉम्ब डालने के लिए इतने उतावले नहीं थे, बल्कि नकली वाला फेंका था। ओह माय गॉड। तुम घर वापस आओगे अपने मेडल्स और अवार्ड्स के साथ, बस इतना ही मिलेगा तुम्हें। क्या कर रहे हो?
हमेशा याद रहेगा, हरामखोर। बैक, मैं आ रही हूँ। ये सारी घरवाली बातें गेरे के लिए रखो, ठीक है? ये क्या है? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी टीम में आऊं बड़े आराम से? मेरे काम की कीमत यही है। तुमने सही कहा, पागल पागल ही होते हैं। अंदर जाकर बस चेक करो। ये एक शानदार मौका है स्मूक को रंगे हाथ पकड़ने का। हम अंदर उसके आने पर जाएंगे, तब तक रास्ते पर इंतजार करेंगे। ट्रांसपोर्ट के बीच घुसने का सबसे अच्छा पॉइंट है ये। अगर हम जल्दी करें तो उनसे पहले पहुंच सकते हैं। उन तीनों को सड़क पर देख रहा हूं, स्मूक नहीं आया। तुम कहां चले वो? मिलिक ने कहा है कि हमें गाड़ी में ही रुकना होगा। वो रुको। सर मत खाओ पेडल। पर ऑर्डर कुछ और है। वो गाड़ी से निकल चुका है। अरे लेकिन वो जा कहां रहा है? पर हमला होने वाला है, तुम यही रुको जब तक मैं स्नाइपर को संभाल ना लूं। नहीं, जानते हो फेडल, हम तुम जैसे गद्दारों के लिए खास चाकू। चुप करो बशकिम, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। बुक, अपनी बंदूक नीचे रख दो, ये ऑर्डर है। हम डकैत नहीं हैं, यहाँ कानून है। क्या हम पे बॉम्ब गिराना कानून है? हमारी जान लेना कानून है क्या? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? वो एक आतंकवादी है, पर तुम फैसला नहीं करोगे कि वो जिएगा या मरेगा। रुको। नहीं, उसे जाने दो।
एंड्रे, तुमने अच्छा काम किया। मेरे पास तुम्हारा पासपोर्ट है, ये मेरा एड्रेस है। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। मेरी जमी, मैं आ रहा हूं तेरे पास, चाहे दे तुझको कितनी भी गालियां। क्या गटर खाना बना रखा है। ना 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 ना। क्या बोलते, क्या चल रहा है पब्लिक? तेरे को देख के अच्छा लगा रे, रिटायर हो गया था मुझे लगा। तू तो कह रहा था उम्र बीत गई तेरी। नहीं चल, ए गिरे सिगरेट है। तेरी सिगरेट नहीं छूटी, फूक फूक के सिगरेट बन जाएगा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ओ, तेरी मम्मी यार, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। कैसे हो? मेरा सिगरेट तो दो। मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा, वक्त कम है और 95 से बहुत कुछ बदल चुका है, और अब हम अपने फैसले खोद लेते हैं बिना नाचो के। हमारा टास्क तय हो चुका है, और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम्हें आर्मी में फिर से जगह मिल जाएगी, तुम्हें अवार्ड्स मिलेंगे, पर सबसे जरूरी है तुम्हारा घर जाना। तुम्हारा हीरो की तरह स्वागत किया जाएगा। शताए कहाँ है? ऑपरेशन को मैं लीड करूंगा। Thanks. माफ करना। नहीं सॉरी, मेरी गलती है। तुम्हारे रिफ्लेक्सेस गजब के हैं। मैं हमेशा से ही टीम का गोली रहा हूँ। यासना। रेडी। बस निकल रही है। टिकट्स। करो बेटा, हे ईश्वर हम लोगों की रक्षा करो। तुम सब कोसोवो के गणतंत्र में दाखिल हो चुके हो। तुम्हारी सर से लेकर पैर तक तलाशी ली जाएगी। अपने कागज और सामान तैयार रखो। अगर कोई भी हमारे अधिकारियों से किसी भी तरह से विरोध करेगा तो उसे बेरहमी से सजा दी जाएगी, समझे? तुम कौन हो? रेडेटोनिक। ये जबान में लहजा कहाँ का है? सब हो गया। हाँ, पर मैं रशिया में बड़ा हुआ, मेरी माँ रशियन है। मैं यहाँ एक रिश्तेदार से मिलने आया था, उन्हें डायबिटीज है। दस्तावेज। प्लीज हम पे दया करो। मैं भीख मांगती हूँ बेटा, हमें जाने दो। मैं तेरा बेटा बेटा नहीं हूँ, सर्बियन औरत। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा फादर साहब? बोल बे। ये प्रार्थना की चीजें हैं, तुम्हें इनकी जरूरत नहीं। तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते।
यास्ताम ब्लागोएविक, मैं ग्लोगोविक के हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये है मेरा डॉक्यूमेंट। तुम्हें पता है फादर, तुम एक स्मगलर हो, है ना? और ये हा? ये क्या है हा? प्लीज, मैं भीख मांग रहा हूं। ये बहुत पवित्र चीजें हैं, तुम समझ रहे हो? दोस्तों सुनो, तुम सब भी तो हमारी तरह मानते हो। तुम अल्लाह को मानते हो, हम क्राइस्ट को। हमें एक दूसरे की मान्यताओं की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करवाना चाहता है हा? ऐसी बात है तो बोल, दुनिया में और कोई ताकत नहीं अल्लाह के सिवा। बोल, मेरी बात सुनी नहीं? बोल, मेरी इज्जत कर, ठोंगी कहीं के आगे बढ़ और बोल। नहीं बोल सकता, मैं क्रिश्चियन हूं। डैडी, बोला ना मैंने, बोल बोल अभी। मैं रुका हूं। क्राइस्ट मेरे साथ। डैडी, ये सब क्या कर रहे हो? पागल हो गया? इनको बोल बंदूक फेंक दे, वरना मैं तुझे सीधे अल्लाह के पास भेज दूंगा। अपने हथियार फेंक दो, फेंको। बस में बैठो, सबके सब बस में बैठो। बस की तरफ चलो। मैं तो छुट्टू गरशी। चलो जल्दी चलो। मैं डॉक्टरों को लाता हूं। जल्दी करो। क्या हुआ, तुम्हें हिंदी आती है? हम पर अल्बेनियंस ने हमला किया, वो हमें मार डालते। अगर वो बंदा बीच में नहीं आता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इस लड़के को क्या हुआ? इसके सर पर गहरी चोट लगी है। इस लड़के को आईसीयू में लेके जाओ और बाकियों को यहीं रहने दो, रिसेप्शन एरिया में। हमें बॉडी को प्रिजनर ले जाने के लिए गाड़ी चाहिए। यह गाड़ी कहाँ मिलेगी? तुम लोग घबराओ मत, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। थैंक यू, मुझे अपना मुंह धोना है। मेरे साथ आओ, मैं लेके चलता। थैंक यू। थैंक यू। आज सुबह जो कुछ हुआ वो बहुत ही बुरा था। हम शहर में हैं। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल, उन्होंने कहा मैं वहां रुक सकती हूँ। तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो, मैं वैसे भी घर में नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। तुमने ये कैसे सोचा मुझे तकलीफ होगी?
थैंक यू सो मच। क्या मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ? घर में तुम्हारी माँ नहीं है क्या? चलो। अरे अरे टोपी तो पहन लो बेटा। चलो चलो निकलो, निकलो यहाँ से। तो दादाजी जिंदा रहना चाहते हो? अब तो नहीं। तुम्हारे ऑफिस में एक रशियन सर्ब काम कर रहा था, उसका पता बता दो और मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। रशियन सर्ब? हाँ। ऑप्शन ए मैं नहीं जानता, ऑप्शन बी तुम्हें नहीं बताऊंगा, अब चुनो। मुझे अंदाजा भी है तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या नहीं कर सकते। तू मुझे खरीद नहीं सकता, ना ही मुझे तोड़ सकता है। बस तू मेरी जान ले सकता है, चाहो तो मेरी चाट ले। क्या चाटना है पता है ना? प्लीज प्लीज मेरी जान मत लो, मैं खरीद मांगता हूँ। अब तेरी हालत खराब हो रही है। वो इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी। मेरी भी एक मौत ही जानता है। मैं तुझे मारूंगा नहीं मलिक, मैं तेरा दर्दनाक तमाशा बनाऊंगा, बहुत दर्दनाक। जल्दी भागो। सब कान खोलकर सुन लो, अल्बेनिया के महान नाम के लिए मैं इसे खतरनाक आतंकी घोषित करता हूं, जिसके सर्बियन ठेकेदारों से संबंध है, और मैं इसे सजाए मौत सुनाता हूं। और यही होगा हर उस शख्स के साथ जो हमारी सरकार का विरोध करेगा। तेरी सरकार? तू बस एक मुजरिम है, और कोसोवो सर्बिया का है और हमेशा रहे। तुम अल्बेनियन को मारना चाहते हो? आगे बढ़ो। उठाओ इसे। लाजवाब दादाजी, क्या बात है? तुम क्या बन गए हो? अपने बाप जैसा, अपने बाप जैसा। मुझे हेलो डैडी, फेडिल बोल रहा हूँ। हाँ सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं भूख के साथ हूँ, तुम्हें भागना चाहिए। क्यों? डॉक्टर स्टर्न आपसे मिलना चाहते हैं।
चलो अंदर। हमारी पहली मुलाकात काफी छोटी थी, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे दोस्त ने बीच में दखल दी थी, बहुत बुरा हुआ। खूनी कहीं के? मैं कोई खूनी नहीं हूं, मैं तो बस अपना इलाका साफ रख रहा हूं। और वो भी तुम सबसे। यहां आ जाओ। रशियंस, अमेरिकन्स, सर्ब्स, यहां तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी सरजमीन है और मैं यहां तुम सबको मिटा दूंगा एक एक करके। वो रशियन जो तुम्हारे साथ इस बस में था, कहां है वो? मुझे कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा नहीं? तुम एक राक्षस हो। क्या तुम्हें मैं सच में राक्षस लगता हूं? आओ मेरे साथ आओ। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे सच में नहीं पता। पर तुम दोनों हॉस्पिटल से साथ में निकले थे। रशियन कहां है? कहां है वो? कहां है वो? बस करो। ठीक है, देखा तुमने सर्बियन होना कितना आसान है। तुमने पहले मुंह खोला होता तो वो औरत आज जिंदा होती। हालांकि एक सर्बियन कम ज्यादा हो जाए तो किसे परवाह है। ठीक है फिर, जल्दी बोलो, जो भी करना है करो, पर नर्स को हाथ मत लगाना। स्मूक, हमारे आदमियों में से एक पर पुलिस का हमला हुआ। वो की था, वो मिलिच के लिए काम करता है। मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। अपने आदमियों को लेकर वहां पर चले जाओ। और तुम्हारा क्या? मैं रेड टॉमिक से मिलने जा रहा हूं। हमें इस लाटीना एयरपोर्ट पर कब्जा करना है। जब तक पीस कीपर्स ना आए हम कब्जा जारी रखेंगे, पर सबसे जरूरी है हमें उस एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा कब्जा करना होगा कि किसी को पता ना चले कि वो कब्जे में है और किसने कब्जा किया है। गिरे, उनके पास करीब 10 से 15 फाइटर्स हैं जिसमें छोटे हथियार लगे हैं और साथ में एक मशीन गन भी है। किधर क्या है मैप पे मार्क किया है? प्लान दोहरा लेते हैं। बारिया और मैं कंट्रोल टावर पर कब्जा करेंगे। गिरे और स्लैश, तुम हैंगर संभालोगे, चेक पॉइंट्स भी तुम ही संभालना। हर्ष,
दिल संभालेगी। टर्मिनल तो मिल गया। बेरा, क्लियर है। कोई सवाल? हमारा कॉन्वॉय बोस्निया से आने वाला है। सही कहा, बोस्निया से यहाँ तक 600 क्लिक्स होते हैं। कंफर्म कहूँ तो 612। क्या वो टाइम पर आ जाएंगे? लेटर आ जाएगा। हमारी यूनिट को इस खास मिशन के लिए असाइन किया गया है। हमें प्रिस्टीना तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा और सेलेटिना एयरपोर्ट पे कब्जा जमाना होगा। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम वहाँ K4 के नाते जाएंगे, एक इंटरनेशनल अमल चाहने वाली फोर। चलो डबल टाइम। क्या लगता है? कुछ ज्यादा ही शांति है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या वहां पहुंचने का कोई और रास्ता है? है ना, गोर्ज की तरफ से। चलो यहां तो काफी अच्छा माल है। ओ भाई साहब, माल की एपिक सप्लाई देख रहे हो? बेग, पता है उन्होंने तुम्हें इस एयरपोर्ट से अच्छे से वाकिफ नहीं करवाया। कोश्ट्रीम गधे कहीं के। अमीर, हाँ, एयरपोर्ट से कोई जवाब नहीं आ रहा, वापस जाकर देखो। और वो का क्या? बाद में देख लेंगे। दो तीन घंटे और सब सड़ने लग जाएगा। गिरे, मदद चाहिए, जल्दी कंट्रोल टावर में मिलो। काफे स्लैश, क्या रास्ता साफ है? हाँ बैक, साफ है। एक बार मैं अंदर पहुंच जाऊं, तुम भी आ जाना। साथ है। इलिया, रुक जाओ।
तुम यहाँ कैसे? मेरा भी यही सवाल है। गिरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कमांडर का स्वागत करने के लिए आया। मेरी टीम यहाँ क्यों है? अब वो तुम्हारी टीम नहीं रही। बोस्निया में तुमने सबको निराश किया था, अपने आप को, मुझे और अपनी टीम को। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अल्बेनियन आतंकियों का बेस है, हम उनके बॉस को ढूंढ रहे हैं। और उसके कितने आदमी हैं? 100 से ज्यादा। और तुम्हारे साथ ये बच्चे कौन है? ये लोकल पुलिस वाले हैं। इन्हें घर भेज दो, समर कैंप नहीं है ये, भेज दो। कोई परवाह नहीं है, हम जो यहाँ करने आए हैं, जब तक हो नहीं जाता कोई नहीं जाने वाला यहाँ से, समझ गए ना? ओह, तुम्हें परवाह नहीं, इसे दिखाओ यहाँ कौन इंचार्ज है। ए बैक, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच यार। वो नहीं जाएगा। ठीक है, गिरे, स्लैश, इन दोनों को हैंगर में ले जाओ। सॉरी यार शिताए। बैक। ए, बस बहुत हुआ। कमांडर, एक गाड़ी आ रही है, उसमें बंदूक भी है। कितनी दूर है? मैं उन्हें उड़ा सकती हूँ। कितने हैं? 4 दिख रहे हैं। यतलीर, रामुश, कम इन, नजर रखो, चुपचाप। यतलीर, रामुश, कम इन। नहीं हो पाएगा। मैन, क्या ऑर्डर है? कमांडर, जल्दी बताइए। टर्मिनल में एक स्नाइपर है। फायर 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 फायर। उन्होंने मुझ पर हमला किया और भाग गए। ओह नो, वेरा, हम पहचाने जा चुके हैं। खैर, शतलाओ, तुम भी जुड़ जाओ। बहुत हुआ मिलना, काम पर लौट जाओ। हैंगर चेक करो। जाओ यासना, गोली मत चलाना। हम हैं कहां? स्लैटिना एयरपोर्ट। तुम यहां कैसे आई? डॉक्टर स्टर्न, वो दूसरा वाला जिसने प्रीस्ट की जान ली, वो एक साथ काम करते हैं। मैंने उसे बता दिया तुम कहां रहते हो। I'm sorry. कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पर। क्या मतलब है तुम्हारा? स्मोक, क्या एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है? किसने? पता नहीं, उन्होंने हम पर हमला किया। कायर कहीं के? पता लगाओ एयरपोर्ट पर कौन है और वो लोग कितने हैं। पर अगर तुम फिर से भाग कर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमले की तैयारी करो, सारे आदमियों को जमा करो। कॉपी दैट।
सारे यहाँ हैं, क्या बात है? बेरा, तुम्हारा हाथ कैसा है? काम कर रहा है। इस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं हैं। हमारी सुबह तक टिके रहने की प्रोबेबिलिटी 10% है, पर हम एक मिशन पर है, एयरपोर्ट पर कब्जा जमाए रखना है, और हम वही करेंगे चाहे जो हो जाए। गिरे, काफी देर थोड़ी गर्मा गर्मी होने वाली है। अगर हम थोड़ा दिमाग से काम लें तो 2-3 घंटों तक टिक सकते हैं। उसके बाद क्या? और फिर जो होगा देखा जाएगा। खैर, सर्ब्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके लिए हमारे बीच जगह बना लेते हैं। शतालोव, क्योंकि ये हमारे साथ रहने वाले हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? ध्यान रहे, ये मेरे ऑर्डर्स माने, मेरे। चलते हैं, अपने रेडियोस चेक करो, मेहमानों के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या, आओ चलकर रेडियो ले ले। शताए, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देती हूँ। शाबाश। कुछ सोचा है कमांडर? अलग अलग फायरिंग पोजीशन सेट करेंगे, हैंगर्स में से हथियार निकाल लेते हैं, पर हमारे पास गोलियां कम हैं, तो हमें उन्हें बचाकर चलना होगा। टर्मिनल कौन संभालेगा? गिरे संभालेगा। पर हम दोनों तरफ से देखेंगे, हमें पेडल को रखना चाहिए। क्या बोलता है ब्लॉन्डी, गोलियां वोलियां चलाने का मन कर रहा है कि नहीं? एक नंबर का जोकर है। तुम्हारे लिए एक और रिटर्न पार्टी है। बस ये आखिरी काम, इसके बाद पक्का हो जाऊंगा। चलो जाओ अपने काम पे लगो। पूरी फील्ड को चार्ज करने में ही भलाई है। हम अभी चार्ज कर देंगे, हट जाएगी उनकी। क्या ये बोस्निया से भी बड़ा तमाशा होने वाला है? हाँ? पकड़ो ये। ज्यादा मत कर देना। जानता है किससे बोल रहा है? बाद में चेक पॉइंट संभालेंगे। चेक पॉइंट के पीछे एक गोर्ज है, शिफ्टर्स वहां से आने की कोशिश करेंगे। बारे अकेले नहीं संभाल पाएगा, उसके साथ बुक जाएगा, वो एक पैराट्रूपर है। पैराट्रूपर होने से कुछ नहीं होता। क्या हो गया, ऐसे बारह मत बजाओ, कल सुबह तक की बात है, बस उतना ही सहना है। वो तुम्हारे लिए, मुझे इसमें चाहिए। पैरा रिपेयर शॉप के ऊपर रहेगी, वो पूरे मैदान पर नजर रख पाएगी, और वो आखिरी जगह होगी जहाँ उन्हें स्नाइपर की उम्मीद होगी। ले ली। ज्यादा गर्मा गर्मी हो तो कंट्रोल टावर पर लौट जाना। पर उन्हें मीठे में सरप्राइज तो देना ही होगा। क्या कर रहे हो, फ्यूल ट्रक के सामने स्मोक कर रहे हो? चल यार, बच्चा नहीं हूं। ये हमारा औजार ले जाएगा हम सबको पार, वो कितनी भी मजबूत दीवार फोड़ डालेंगे सारे यार। देख बच्ची, मेरा तो हो गया, अब मेरे को रॉक कॉन्सर्ट जाना पड़ेगा क्या? लगता है सब सेट है। क्या हम लड़की को कंट्रोल रूम में छोड़ सकते हैं? वही सबसे सुरक्षित जगह है। ओके, ठीक है, अब सब सेट है। शुक्रिया। हम इस सारी सुंदरता को जिंदा कैसे रखेंगे? मेहमान आ रहे हैं। हमारे लिए स्काउट भेजा है, सब के सब रुक जाओ, कोई नहीं हिलेगा।
उसको इधर कदम तो रखने दो, सीधा हवा में जाएगा। नहीं, वो चेक पॉइंट से गुजरेगा। बारिया वो चेक पॉइंट पर है। हाँ, दिख रहा है मुझे। वो लाइन पर है, सारे अंदर बैठकर इंतजार करना। बच्चे, तुम यहां कर क्या रहे हो? घूम जाओ, घूम जाने में ही भलाई है। कमीना, बच्चे को भेजता है हमारी जासूसी करने के लिए। युद्ध के दौरान इससे गंदा क्या होगा? कभी कभी एक मुजाहिदीन ऐसे ही छोटे से बच्चे को बंदूक पकड़ा के उससे कहता है, जाओ लड़ो, आगे बढ़ो। हमारे हर मिशन में मैं दुआ करता हूं कि किसी छोटे से बच्चे से ना जा भिड़ूं, नहीं तो खेल खत्म। बची हुई जिंदगी या तो नशे में गुजार दोगे, नहीं तो खुद ही को गोली मार लोगे। इस मैदान का यही राग है वो, जंग हमेशा लोगों को तोड़ देती है। ये सब क्या था? वो हमें चेक कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनल है या ऐवे ही ठग है। और फिर लड़का जिंदा है, यानी कि हम ठग तो नहीं। देखो, यहाँ बहुत सारी मोर्फीन पड़ी है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। शुक्रिया, तुम हमारे कमांडर के साथ कंट्रोल रूम में रुकोगी, सबसे सुरक्षित जगह है वो। बेग तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसे रखो, जरूरत पड़ गई तो। और तुम? मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? असली नाम बताना। एंड्रे शटलव। तुम पर जचता है। जिंदा रहना एंड्रे। शताए, मैं अब रो दूंगी।
हे दोस्तों, कैसे हो सब? पहले के सुहाने दिनों की तरह? बस वो सुहाने तो नहीं थे। शता है, मैं हमेशा से कहना चाहता था पर कभी मौका नहीं मिला। उस दिन दुश्मन को चॉपर से फेंकने के लिए शुक्रिया, और मेरा साथ देने के लिए भी। तुमने एक असली ऑफिसर और कमांडर का काम किया था। मैं ये तुम्हें काफी देर से देना चाहता था। केरिया का है? मैंने अपना बैग कंट्रोल रूम में छोड़ दिया था, उसमें एड्रेस और पैसे थे, सोचा तुम समझ जाओगे। नहीं, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। केरिया के परिवार के लिए, उन्हें जरूरत थी। उसकी एक बेटी और बीबी थी, उसके बाद उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। तुम्हारी गलती नहीं थी, हम जिंदा रहेंगे। स्वागत करना। नहीं रुको, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए यहाँ कौन। उन्हें जान लेने दो, उनका सामना किसे है? तुम सर्बियंस का तो ऊपर वाला ही मालिक है। तुम्हारी टोपी देख ली तो सबसे पहले तुम्हें ही उड़ाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो 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 चलो। गिरे और सर्व्स टर्मिनल संभाल रहे हैं। शकाय, स्लैश और मैं फील्ड पर नजर रखेंगे। वेरा हमेशा की तरह हमें बचाने वाली है। सारे तैयार रहना, मेरे कहने पर शुरू करेंगे। बारिया, आगे बढ़ो। आदिल, कॉलम खलास कर। वोक, टारगेट पर नजर रख। हथियार के साथ मुझे फ्री मिला था। आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो। चलो धमाका शुरू। मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। बात सही। आर्या, मैं संभाल लूंगा। बैक, कॉन्वॉय तबाह हो चुका है, हम निकल रहे हैं, आगे बढ़ो। दिखाई नहीं दे रहा। ये स्टेटस क्या है? इन लोग की हवा कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गई। बहुत ज्यादा जल्दी। दूसरी टुकड़ी तैयार। हम ऑर्डर्स के लिए रुके हैं। क्या रे भिड़ू, तेरी लड़ाई कैसी चल रही है? अगर सच बताऊं तो मुझे लगा उनकी संख्या ज्यादा होगी। अबे शप शप बोल। टर्मिनल पर दूसरी टुकड़ी भेजो। जगह सबको याद है ना? हाँ, तो प्लान के मुताबिक आगे बढ़ो। मैं टर्मिनल जा रहा हूं, कवर दो। इस तरफ हलचल हो रही है, टर्मिनल की तरफ एक गाड़ी आ रही है। मीरा, क्या तुम उन्हें देख सकती हो? वो मुझे नहीं दिख रहे शताय, बिल्कुल भी नहीं। गिरिया, टारगेट पर हमला करो। हाँ समझ गया, ये वाला तेरे नाम। शो के लिए रेडी? कवर दो मुझे। पादिल! अब तो गया। किरिया, क्या चल रहा है? टर्मिनल को तबाह कर रहे हैं वो लोग। गिरे, डटे रहो, मैं देखता हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चले चलो, चलो 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 चलो। वो टर्मिनल को संभालो। अरे सुनो, पार्टी में और मेहमान शामिल होते जा रहे हैं। चताय, वेरा, स्लैश, ड्राइव की तरफ निशाना रखो, मेरे पीछे आओ। मेरे भाई, बता रहे, कुछ नहीं होगा तुझे। नहीं पे हल्का हो जा। अरे मुंह यहीं पे, हल्का हो जा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्या मुश्किल पड़ रही है? वो लोग टर्मिनल पे कब्जा करने की सोच रहे हैं। खून निकल रहा है क्या? कुछ नहीं।
नहीं पता। तेरे मुंह पे खून तो नहीं है? नहीं, कोई खून नहीं है। ये ले, थोड़ा सा मॉर्फिन ले ले और ये बैंडेज भी लगा ले। चिंता मत कर जवान, कुछ नहीं होगा। देखते हैं तुम लोग उड़ते हुए कैसे लगते हो। सुनो यारों, अब भी यहां पे बहुत बाकी हैं। क्या तुम लोग जिंदा हो? शटाई चेक, स्लैश चेक, बारी और वो चेक, बेरा हाँ, गिरे और फादिल चेक। शटाई, तेरे लौंडे को थोड़ी खरोचे आई हैं, लेकिन बंदा मेहता में अब भी लगा हुआ है। हमने अपने बहुत से आदमियों को खो दिया है। मोटर्स चालू करो, मोटर्स चलाओ। चलो जल्दी जल्दी निकालो यहाँ से, निकालो, चलो 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 चलो। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मत रो। तुम्हारा नाम क्या है? नीला, मुझे मम्मी चाहिए। कुछ ज्यादा ही खामोशी है, मेरे कानों को ये पसंद नहीं। इस गहरे साए को हल्के में मत लेना। क्या बोलते भाई लोग, इस शांति में गाना वाना सुना के रम जमाओ क्या? तुम्हारा गाना सुनने से तो अच्छा है मुझ पर हमला हो जाए। बातें बंद करो, सारा ध्यान अपने दिए गए एरियाज पर। हमारा ध्यान तो यही है। तुमने कुछ सुना गाइस? ये कौन है? यहाँ ये बच्ची क्या कर रही है? मुझे ये नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? और मैं तुम दोनों को यहाँ रख कर क्या करूँगा? अटेंशन, कंट्रोल टावर की तरफ लौट जाओ। शटाई टेक फोर। शरीर में जाना है? बारिया पीछे की तरफ जाओ, मैं कवर कर रही हूँ। हमें कीड़े को ले जाना है, रुक जाओ। सुन, तू निकल ले फादिल, मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर और ताजी हवा का मजा लेने दे। नहीं 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 नहीं, हम साथ जाने वाले, एक साथ, सुना तुमने? मेरे को इधर ही छोड़ फादिल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं।
सुन रहे, मेरी मशीन गन मेरे हाथ में पकड़ा दे बस साहब इसे। माफ करना मेरे भाई। कोई नहीं कोई नहीं, तू ज्यादा मत सोच मेरे भाई, चल अभी जा, बेफिक्र होके जा, ठीक है? हाँ जा। खिड़कियों से आती हवा और क्या चाहिए, जंग खत्म हो जाए यही सपना हम लिए बढ़ते चले जाए। अब चलो यार कुछ तो बोलो। कमांडर, गिरे नहीं रहा। अलविदा गिरिया, अब काफिला कहाँ है? पीछे जाओ बारिया। क्या नया फसाद है? वेरा 11 o'clock। आजा, मुझे तेरा ही इंतजार था कमीने। चलो यहां से। मुझे कबर को मैं बुला रहा हूँ। वहीं रहो। चाहता है कॉलम को मैं संभालूंगा, तू आगे देख। शताय रास्ता साफ है, आगे बढ़ो। टेंट और पीरा मैं उसी पर हूँ। वेरा 3 o'clock। जनरल सोमो बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट के ऑफिस से अभी ऑर्डर्स आए हैं कि कोसोवो की तरफ बढ़ने वाले काफिले को रोक दिया जाए। ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए। मैं कभी ऐसा कायरता से भरा ऑर्डर नहीं मानूंगा। ये काफिला किसी भी सूरत में रोक दिया जाएगा। जनरल, तुमने अपनी कब्र खोद ली है। काफिला एयरपोर्ट जरूर पहुंचेगा। बस ऐसे ही डटी रहो। हमला हैंगर की तरफ ले जाओ। लता बोल रहा हूँ। ऑर्डर आया है, आगे की हिदायत के लिए रुकने को कहा है। और उन्हें क्या लगता है कैसे होगा? सभी लोग ध्यान दो,
मेरा हुक्म है कि सारी हलचल रोक दी जाए। हमें उन्हें निकालना होगा वरना नहीं बचे। मैं जानता हूं, पहले इन मोटर्स को संभालना होगा। तुम कहां जा रहे हो स्लैश? मोटर्स को खत्म करने। हट जाओ, भागो जल्दी हैंगर्स की तरफ, भागो। मेरी ओर हमला हो रहा है, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। हमें मदद चाहिए बेक, हम फंसे हुए हैं, वो बुरी तरह से घायल है। मैं जानता हूं तुम्हें मदद चाहिए, जानता हूं। वो बस पास में ही है, हमारे पास जब तक मौका है हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कॉम्रेड कर्नल, चलो बदमाश कहीं के। थोड़ा रुको, मोर्टार्स खत्म कर देगी उन्हें। ये तो अपनी तरफ आ रही है। बड़े आराम से मैं भी आ रहा हूं स्लैश, जल्दी तुझसे मिलूंगा। कितने आदमी बचे हैं? 20 के आसपास। हमें वीरा को निकालना होगा, एक ही बेल्ट बची है। यहाँ भी वही हाल है। बदमाश कहेंगे। एमओ भी खत्म हो चुका है। शताय, तुम्हारे सर्व्स का क्या हाल है? तुम्हें पीछे हटना होगा अभी इसी वक्त। कम इन। तुम्हें जाना चाहिए। शताय, मरा हुआ भी और तुमसे बड़ा दुश्मन हूं मैं। शताय, कम इन। शताय, मैं पीछे आ रहा हूं, वुक मुझे कवर देने वाला है। कॉपी दैट, रिपेयर शॉप की तरफ चलो। सुनो, उस लड़की को मेरा शुक्रिया कहना।
सर्बियन हो तो इसके जैसा। गाइस, मैं सर्ब्स की मदद करने जा रहा हूं, हम अंत तक लड़ेंगे। छोड़कर मत जाना अंजू, मुझे सुन सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, यहीं हूँ। आंखें बंद मत करना, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना अंजू। मेरी तरफ देखो, मुझे सुन सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। होने के लिए तैयार हो। पीछे जाओ, जाओ। मुझे गोलियां चाहिए। मैं रेडी हूं। वायर जाओ। खत्म। एक सेकंड कमांडर, ये मरने की एक्टिंग का टाइम नहीं है। रेडी रेडी, चलो अपना हाथ उठ। गाड़ी की तरफ, जल्दी से जल्दी लेके जाओ। भागो।
इसमें अब सिर्फ हवा बची है। इसे मुझे दो, खा ले। चार है। ये किस लिए मरा? अपने परिवार के लिए? इसका परिवार था ही नहीं, अपने देश के लिए। पर सच तो ये है कि ये मेरा देश है। बदमाश कहीं के। तो आखिर ये मरा तो मरा किस लिए? मैं तुम लोगों को एक मिनट देता हूं बाहर आने के लिए। सुना तुम लोगों ने? एक मिनट। मैं अपने साथ तुम्हारा एक दोस्त भी लाया हूं, बाहर आकर उसे हेलो नहीं कहोगे? इससे घटिया आदमी नहीं देखा। तुम्हारे पास कोई पर्सनल चीजें हैं? इन सिविलियंस का क्या होगा? ये जंग है, आई एम सॉरी शताय। मैं पहले, मुझसे शुरुआत करो। बैक, मेरी मदद करो। मेरा चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। तुम तैयार हो? मैं जाने को तैयार हूं। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। सावधान, काफिला पहुंच चुका है। टर्मिनल को चारों तरफ से घेर लो। कमांडर्स एक्शन के लिए तैयार रहे। आखिरकार।
सिविलियंस क्लियर। कोई बात नहीं, डरो मत। फर्स्ट कंपनी के कमांडर, एयरपोर्ट के पेरिमीटर सिक्योर कर दिया है। तुम अब सुरक्षित हो, जंग खत्म। हम मदद करने के लिए आए, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जून 1999 में नेटो रशियन 99 के स्प्रिंग में पूरी दुनिया का ध्यान कोसावा में हो रही घटनाओं पर केंद्रित था। क्रिस्टिनिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नाटो सैनिकों ने रशियन K4 काफिले के खिलाफ हमला किया जो कि बोस्निया से वहां आए थे। मुझे यकीन है सब अच्छा होगा। शांति नहीं है। चलो। हम अगले हफ्ते स्लावा मनाने वाले हैं। पूरा परिवार यहाँ होगा। तुम्हें भी आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलती हूँ। ध्यान रखना अपना। बाय। क्या ये वही लड़की है? हाँ वही है। तुम्हें किस बात का इंतजार है? अभी तक यहाँ क्यों बैठे हुए हो? कुछ चीजों के जवाब कभी नहीं होते। देखो यार, ये बेवकूफी है। जाओ उससे बात करो। जाओ भी। ओके।
Находится зад за красным.